तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं सुनील आज फिर से अपने एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एक और नई जर्नी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं अपने घर से धुमाकोट साइड चलते हैं आज, और वहां पे कुछ प्रोग्राम है तो उसमें पहुँचते हैं, उसमें शिरकत करते हैं। तो चलो जी, निकल जाते हैं घर से अपनी यात्रा के लिए। बैग बदल लिया है, ग्लव्स व्लव्स डालिए, लेकिन टोपी नहीं डाली है। पिछले कई टाइम से जो है आप लोगों के कमेंट रहते हैं कि इतनी ठंड में तुम टोपी क्यों नहीं डालते, तो आदत नहीं है टोपी डालने की, बाल बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो एक बड़ी मिस्टेक और हो गई है घर से निकलते हुए कि छाता नहीं लाया। अब अगर बारिश हो गई ना रास्ते में तो मेरी बच जाएगी बैंड। तो फ्रेंड्स, इतने ठंड के मौसम में जो ट्रैवल करने का जो मज़ा है ना, कसम से और किसी टाइम में नहीं है। या तो मुझे ट्रैवल करने का मज़ा आता है बरसात के मौसम में, जब हरे भरे नज़ारे होते हैं, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा होता है, और नहीं तो इस ठंड में कपड़े उपड़े पहन के एकदम मस्त। तो भाई साहब, मैं अभी जा ही रहा था, अभी मुझे इतना एरिया कवर करके वहाँ पहुँचना है, और 12 वाली बस छूट गई है, तो अब हो सकता है मुझे ठीक 2 बजे मिलेगी रामनगर वाली जो लास्ट जाती है, तो काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। बारिश भी आने वाली है, इससे पहले बारिश आए बस स्टॉप पे पहुँच जाता हूँ, कम से कम भीगने से तो बच जाऊँगा भाई। तो चलो जी, आसमान की बड़ी कृपा रही कि यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है बारिश नहीं आई। बारिश आ भी गई तो यहाँ पे बच जाऊँगा बारिश से। तो दोस्तों, जब इधर को जाओ तो इधर को वाहन आते हैं, इधर को जाओ तो इधर को वाहन आते हैं, पता नहीं क्या बीमारी है ये, हमारी किस्मत ही ख़राब है। यहाँ से कुछ आ रहा, अरे ट्रक आ रहा है, ट्रक, इसी को हाथ देता हूँ। मुझे ना बस और टैक्सी में जाने से अच्छा ट्रक में जाना अच्छा लगता है। चलो जी, ट्रक मिल गया, गाड़ी तो नहीं मिली। भाई साहब बता रहे हैं कुमाऊं से हैं, तो हमारा सफ़र मज़ेदार होने वाला है, एक बार आए कर दो आपके। हाँ, तो भाई लोग पिथौरागढ़ से हैं जी, अब सही है। कहाँ जा रहे हो? रामनगर। वहाँ से कुमाऊँ अच्छा थली साइड तक। अच्छा अच्छा, हम पिथौरागढ़ जाएंगे, थली छोड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। तो बस मिलती मुझे 2 बजे करीब, तो 1:30 बजे मुझे मिल गया ट्रक। चलो जी, बर्फ़ के दर्शन भी हो गए दीवा डांडा पे। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पे, शायद तो सामान आ रखा है वो उतार रहे हैं,
तो भाई साहब आप क्या बता रहे हो, आप पवन पहाड़ी भाई के गांव से हो, पिथौरागढ़ से? हाँ जी, उन्हीं के शहर से है। पवन पहाड़ी में हमारा वो है कौन, ये ललित मोहन जोशी जी। अच्छा, गायक का फौजी ललित मोहन जोशी जी। हाँ जी। अरे वाह, बढ़िया, उन्हीं के गांव से हो? हाँ, उनके गांव। ठीक ठीक ठीक, चलो बढ़िया, अच्छा लगा आपको मिलके, और बहुत मज़ेदार सफ़र काफ़ी अच्छा रह रहा है इनके साथ, है ना? तो लग नहीं रहा कि भाई कितनी देर में हमने कितनी दूरी तय कर ली है। हाँ हाँ, क्या पता हमारे घर वाले। हाँ, देखेंगे, जरूर देखेंगे। हाँ बिल्कुल, यार हमें, हम भी याद करेंगे। हाँ, हमें कोई किसी भाई ने हमें तुम्हारा चलो जी, अपने सफर में हम आ गए धुमाकोट में। नीचे तो नहीं जाओगे? नहीं, बाजार के साथ आ जाओ, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, कुछ ट्रक वाले होते हैं जो किसी को देख के ना गाड़ी नहीं रोकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी रोक लेते हैं और देखते हैं कि यार इनको ज़रूरत है तो इनको ले चलते हैं, इनके जहाँ इनको जाना है। ऐसे ये भाई लोग भी लग रहे हैं, काफ़ी खुश मिजाज, काफ़ी मतलब इन्होंने रोका, मेरे लिए रोका, पीछे भी इन्होंने आदमी बिठा रखे हैं। तो ऐसा मतलब हेल्पिंग होना चाहिए इंसान को। बारिश तो हो गई, बस यहीं पर रोकना है ये, इसके पास। हाँ, यहीं से नीचे चलते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। किराया बस हो गया, जाओ। अरे कोई नहीं, रख लो। अरे नहीं नहीं, चलो जाओ। थैंक यू, बढ़िया, ओके। तो चलो जी, उतर गया हूँ मैं अपने मंजिल पे, यहाँ से जाना है मुझे नीचे। तो चलो दोस्तों, ये है धुमाकोट का कसण गांव। तो यहाँ से वैसे तो मतलब जड़ा खान से भी नीचे से इधर रास्ता आता है, तो मैंने सोचा ऊपर उतर जाता हूँ, यहीं से शॉर्टकट निकल जाऊँगा नीचे को। ले आ। तो वैसे अगर ये धुमाकोट जाते तो मुझे एक छाता तो लेना ही था भाई अपने लिए, अब छाता भी नहीं है। खैर अभी तो कट गया, बारिश नहीं आई, लेकिन कल जाते टाइम जो है ज़रूरत पड़ेगी छाते की। तो ये आ गया कसण गांव। तो सामने जो है वो धुमाकोट है। तो अगर मुझे ये ट्रक नहीं मिलता ना, तो अभी तक मैं वहीं बैठा होता बटवाड़ो स्टेशन पे। और ये होता है मतलब रोड पे आके कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, जैसा कि भाई लोग मिल गए मुझे। तो ये आ गया उनका घर। चलो भाई, पहुंच गया, क्योंकि पिछली बार मतलब जब भी आते हैं हम लोग इधर से आते हैं, मतलब सीधे जड़ाव खान से उतर के और यहाँ पे, और आज मैंने सोचा मैं शॉर्टकट चला जाता हूँ। तो ढोल दमाव तो बज रहे हैं। तो शायद ये वाला मकान बनाया है जिसकी खुशी में आज पार्टी चल रही है यहाँ पे। बोलो श्री वासु भगवान की जय।
ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कहत बिके तन का। तो चलिए जी, चाचा जी के घर पे पहुंचे हुए, थोड़ा टाइम हो गया है, चाय नाश्ता हो गया है। तो ये है चाचा जी का पुराना मकान, उस साइड बन रखा है एक नया मकान, तो उसी का जो है गृह प्रवेश है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और फिलहाल यहाँ भी मौसम बिल्कुल चिल्ड हो रखा है, वो देखो सामने वाली पहाड़ियों पर जो है ज़बरदस्त बारिश चल रही है ना। और ये देखो क्या खुला वातावरण है, यहाँ पर शुद्ध हवा है। तो ये है कसण गाँव धुमाकोट का। तो ये है पुराना मकान जो दादाजी के टाइम का है, जो पारंपरिक मकान होते हैं पहाड़ों के, पटल वाले ये है। ज़्यादातर लोग सीमेंटेड कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, प्रगति हो रही है, लेकिन ये वाले मकान जो है अब कम कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उधर चल रहा है पूजा पाठ, उधर चलते हैं। अब हम मिलेंगे कुछ दिन बाद संदीप की शादी में, तो संदीप की शादी होने वाली है अभी से शर्मा। हम आ गए थोड़ी देर के लिए इधर पंचायत घर के आसपास, यहाँ से ले जाते हैं कुछ गद्दे कुछ कुर्सियाँ, क्योंकि जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो सारा सामान ले जाना पड़ता है पंचायत घर से। तो ये है जी यहाँ का पंचायत घर, जहाँ पे केतली कुर्सी वगैरह है। तो हमें क्या क्या चाहिए, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से आप एक खूबसूरत नज़ारा देखो, क्या सुंदर लग रहा है। सामने कई पहाड़ियाँ दिख रही है, बादल झुके हुए, हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ, और ऐसे में हम लोग जा रहे हैं थोड़ा जड़ाव खान सामान लेने के लिए, है ना संदीप। तो जब हम जड़ाव खान आते हैं तो कभी कभार जब रामनगर जाते हैं तो उतर जाते हैं, आज मौका मिलेगा थोड़ा आराम से घूमने का, और फिर आ जाएंगे वहाँ से सामान लेके वापसी। तो अभी तो पहुंच गए हैं जड़ाव खान में, और शाम का नज़ारा कुछ इस तरीके से यहाँ का, क्योंकि अभी तक मैं जब भी आया हूँ मैंने सुबह और दिन में दिखाया है इस बाज़ार को। पिछले कुछ टाइम से जब से खबरें आई कि यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया गया है, तो थोड़ा सा मार्केट का नज़ारा बदल गया है। तो पहले यहाँ पर काफ़ी मतलब ढाबे टाइप के चल रहे थे, अभी जो है एक और रह गया जहाँ पे छोले मिलते थे, बाकी सारे हटा दिए। बजाना रहो तो फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है पकौड़ी बहुत ही हैंडसम बंदे के द्वारा। किसी पिक्चर का डायलॉग है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या, यहाँ उल्टा हो गया, हमारे छोरे छोरियों से कम है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, काम आना चाहिए, है ना।
ऐसे मौकों पे काम चलना चाहिए भाई। वैसे भी मैंने भी बनाई है तो इसमें सबसे आगे मैं ही खड़ा होता हूँ इस मामले में। अच्छी बनी होगी तो खुल के तारीफ करना, कोई कमी हो तो इग्नोर कर देना ना। खासकर सूजी की, क्योंकि सूजी हमने बनाई है। ये बात हमारी सूजी, हमारी सूजी की सूजी हमारी नहीं। पूजा पाठ हो गई बढ़िया से, हो सकता है बैंड वैंड बजे। हाँ तो वो मुझे हमारे गांव की है ना, हमारे और चाचा जी बधाई हो। बधाई हो आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े भाई साहब नहीं आ सके पर हमारे बेटा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी चल रही है, फुल पार्टी है।